हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। आज संडे है और मैं मॉर्निंग में 5 बजे सो करके उठ गई हूँ। उठते ही मैंने सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई स्टार्ट कर दी है। आज के व्लॉग में आप लोग देखोगे कि मैं किस तरह से अपने घर के कामों को करती हूँ और उसके साथ साथ ही अपनी स्टडी को भी मैनेज करती हूँ। झाड़ू लगा लेने के बाद मैंने सभी के लिए चाय बना दी है। चाय बनाने के बाद मैं तो ठंडी चाय पीती हूँ, तो मैं उसको रख करके ऊपर छत पर चली जाती हूँ कुछ देर के घूमने के लिए। यहाँ आप ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं। ऊपर जो ग्रीन ग्रीन नेचर जो है, उससे हमें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं और घूमना हमारी सेहत के लिए अच्छा भी होता है। तो मैं थोड़ी देर के लिए मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ। ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह का तो मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है। वॉक करने के बाद मैं नीचे आती हूँ और अपनी चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद मैं सभी बर्तन साफ कर देती हूँ, देन अपनी स्टडी करने के लिए आ जाती हूँ। आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 6:50 हो चुके हैं, यानी 7 बजने वाले हैं और यहाँ पर मैं अपनी स्टडी करने बैठ गई हूँ। अभी मेरा बेटा सोया हुआ ही है, तो मैं बाहर बैठकर ही स्टडी कर रही हूँ। यहाँ मैं इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स को रिवाइज कर रही हूँ एंड उनके नोट्स बना रही हूँ। बीच में बेटा जग चुका है और खेलने लग गया है। ये कले के साथ खेल रहा है। अब मैं इसको दूध और बादाम देती हूँ, तो पहले मैं इसको देखूँगी। मैंने स्टडी को थोड़ी देर के लिए रोक दिया है और अपने रूम में आ गई हूँ। देन मैं फिर से अपनी स्टडी करने लग गई हूँ और अभी मैं इंग्लिश लिटरेचर ही कर रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही वास्ट है और मेरा पहले कभी इतना सीरियसली पढ़ा हुआ भी नहीं है, तो मुझे उसको कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। बाकी जो और जनरल पेपर के सब्जेक्ट्स होते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, तो ये सब मैंने पहले पढ़े हुए हैं, तो इनको पढ़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। इनका तो बस मुझे हल्का सा रिविज़न ही करना होता है। 9:30 हो चुके हैं और अब मैंने अपनी स्टडी को छोड़ दिया है, क्योंकि घर के काम भी पड़े हुए हैं जो कि मुझे ही देखने हैं। तो चलो चलते हैं आप अपनी किचन में। यहाँ मैंने राजमा को बॉयल होने के लिए रख दिया है, जो कि मैंने रात को भिगो करके रख दिए थे। जब तक राजमा बॉयल होते हैं, तब तक मैं सभी मसाला पीस करके तैयार कर लूँगी, तो मैं अपने उस काम में लग गई हूँ। हमारे घर पर ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाया जाता है, हम नॉर्मल खाना ही खाते हैं। बस मैंने हल्के से प्याज, लहसुन, टमाटर सभी को मिक्सी में पीस लिया है। देन मैं उसके बाद सभी बर्तन को साथ साथ ही साफ कर लूँगी, ताकि मुझे बाद में एक्स्ट्रा टाइम ना देना पड़े और मेरी किचन ज़्यादा बिखरी हुई भी ना दिखाई दे। बर्तन साफ करने के बाद मैं अपना खाना बनाने की तैयारियां शुरू कर दूंगी। यहाँ पर मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए और साथ में ही मैंने आटा छानने लग गई हूँ। जब तक मेरा तेल गर्म होता है, तब तक मैं आटा छान लूँगी। तेल गर्म हो चुका है और मैंने बारी बारी से सभी मसाले डाल दिए हैं, और जब तक हमारी ग्रेवी बनती है, तब तक मैं आटा लगा लूँगी। अब आप लोग देख सकते हैं कि ग्रेवी तैयार हो चुकी है और मेरा आटा भी लग चुका है। मैंने ग्रेवी को कुकर में डाल दिया है और सब्जी मेरी बन चुकी है।
अब मैं थोड़ा सा हल्का सा और तड़का लगा रही हूँ, जो कि मुझे दही के लिए यूज करना है। इसमें मैं दही डाल दूँगी। ये दही मैंने मसाला के ठंडा होने के बाद इसमें डाला है। आप लोग भी ऐसा ट्राई करना, इसका टेस्ट अलग ही आता है। और साथ साथ में अब मैं रोटियां बनाना स्टार्ट कर दूँगी। आप लोग जानते हैं कि मेरी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं, तो खाना बनाने में यानी किचन में मेरा काफ़ी वक्त लग जाता है। देन उसके बाद मैंने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं, कपड़ों का भी ढेर लगा हुआ है, और साथ में मैं अपना पोछा भी स्टार्ट कर दूँगी। सभी काम ख़त्म करने के बाद मैंने कुछ समय अपनी फैमिली को दिया और अपने बेटे को दिया, एंड देन मैं सो गई थी। और अब मैं आप लोगों से 3:30 बजे मिल रही हूँ। अब मैं सो करके उठ चुकी हूँ, बिल्कुल मेरा फ्रेश माइंड है। और अब मैंने हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। हिंदी में मैं अभी टॉपिक समास पढ़ रही हूँ, क्योंकि समास पेपर में लगभग सभी में ही आता है। अभी मैं स्टडी कर ही रही थी कि घर वालों ने चाय के लिए बोल दिया, तो मैंने बीच में स्टडी को छोड़कर सभी के लिए चाय बनाई। मैं इस टाइम पर चाय नहीं पीती हूँ, तो मैं अपने लिए कुछ खाने का लेकर आ गई हूँ। देन अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर दिया है। ये सब करने में भी मुझे लगभग 1/2 आवर लग गया था, क्योंकि बर्तन वगैरह भी साफ़ करने होते हैं। देन मैंने सिनोम्स को रीड करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि इनको सिर्फ याद ही करना होता है, समझना तो कुछ है नहीं। अब 6 बजने वाले हैं, तो मुझे रात के खाने की तैयारी करनी है, तो मैंने अपनी स्टडी को छोड़ दिया है। खाना बनाने के बाद मैंने सभी कपड़ों को तह करके उनकी जगह पे रखा, और ये सब करते करते मुझे लगभग 9:40 का टाइम हो चुका। तब जा कर के मैंने दोबारा से अपनी स्टडी को स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने दिन में थोड़ा रेस्ट कर लिया था, तो मैं अभी भी कुछ देर के लिए पढ़ सकती हूँ। यहाँ पर मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रही हूँ। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों से मिलती हूँ किसी अदर प्रोडक्टिव व्लॉग में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।